दिसंबर में शाही जामा मस्जिद में सवे के दौरान हुई हिंसा के बाद आज पहली जुमे की नमाज होने वाली है। इसके चलते पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। एक दिन पहले मस्जिद के पास इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। जामा मस्जिद के अलावा पूरे इलाके में पुलिस के भारी बल जगह जगह पर तैनात कर दिए गए। ये तीन तस्वीरें आपके सामने, जहां संभल में जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संभल में हाई अलर्ट भी यहां पर एक तरीके से किया गया है। बता दें कि सीसीटीवी के जरिए से भी यहां पर निगरानी की जा रही है। दूसरी तरफ ड्रोन कैमरे के जरिए भी निगरानी की जा रही है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती है। पुलिस बलों की ओर से बीते शाम भी यहां पर फ्लैग मार्च निकाला गया। थोड़ी देर पहले भी यहां पर फ्लैग मार्च निकालते हुए लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी समय समय पर की जा रही है। तो संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी, इसे लेकर पुलिस प्रशासन सख्त तौर पर यहां पर उनकी मुस्तैदी नजर आ रही है। संभल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज को लेकर यूपी में पुलिस अलर्ट है। इसके चलते पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कई शहरों में फ्लैग मार्च किया गया। तो देखिए, ये तीन तस्वीरें आपके सामने जो कि संभल के मौजूदा हालात को अभी बता रहे हैं। हालांकि अभी माहौल वहां पर शांतिपूर्ण है। माहौल में किसी भी तरीके से कोई इसे बिगाड़ने की कोशिश ना करे, इसे ध्यान में रखते हुए भी पुलिस प्रशासन की ओर से यहां पर मुस्तैदी देखी जा रही है। अलर्ट पर पूरा प्रशासन है। दूसरी तरफ कई अलग अलग जिलों के यहां पर फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी की जा रही है, चाहे वो सीसीटीवी कैमरों के जरिए हो या फिर ड्रोन कैमरों के जरिए हो। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। बैरिगेटिंग की जा रही है। आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा जो बाहरी व्यक्ति है उनके प्रवेश को भी लेकर यहां पर बीते दिनों हमने देखा कि 1 दिसंबर तक फिलहाल रोक लगा दी गई, लेकिन जो भी किसी कारणवश अगर कोई बाहर से आने जाने वाले कोई शख्स है, कोई व्यक्ति है, तो उनसे भी कड़ाई से पूछताछ यहां पर की जा रही है। तो चाहे ड्रोन कैमरे हो या फिर सीसीटीवी हो या फिर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी को लेकर हो, यहां पर अलर्ट एक तरीके से पुलिस प्रशासन है। तो संभल हिंसा में अब तक क्या कुछ हुआ है यह भी आपको बता रहे। 24 नवंबर की यह पूरी घटना, जब हिंसा भड़कती है और उसके बाद 24 नवंबर की जो तस्वीर निकलकर सामने आती है, जहां दूसरी बार सर्वे करने के लिए जब टीम पहुंचती है तो हिंसा होती है। 25 नवंबर को भी दरअसल यहां पर एसपी सांसद और विधायक के बेटे पर एफआईआर दर्ज किया जाता है। 27 नवंबर को उपद्रवियों के पोस्टर जारी कर दिए जाते हैं। नुकसान की भरपाई के लिए भी डीएम और एसपी की ओर से बात कही जाती है कि उपद्रवियों से ही भरपाई कराई जाएगी। 28 नवंबर की बात करें यानी कल की, तो अब तक 31 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 150 पत्थरबाजों की पहचान हो चुकी है और ऐसे में उन सभी के पोस्टर भी समय समय पर यहां पर जारी किए गए हैं। लिहाजा शांतिपूर्ण माहौल अभी है और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी यहां पर नजर आ रही है। तो देखिए, 24 नवंबर को यह हिंसा भड़की थी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंसा का छठा दिन है और छठे दिन जुमे की नमाज है, इसको लेकर सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद। तो संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि आज जुमे की नमाज को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। शहर में भारी तत्वों की एंट्री पर पैनी नजर है। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में मार्च निकाला गया है। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील पुलिस ने की है। तो जुमे की नमाज को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट है। अमरोहा बदायूं समेत कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी न्यूज स्टेट पर आपको हिंसा से जुड़ी दे रहे हैं। संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, सबसे पहले तो अपडेट लेना चाहेंगे जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, पुलिस हाई अलर्ट पर, क्या तस्वीर? हमारी बैठकें भी हो चुकी है और कल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डिटेल से कमिश्नर सर ने आपको बताया था, तो कोई समस्या नहीं, आराम से जुमे की नमाज अदा की जाएगी और सब लोग सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। देते हुए कि हालात पूरी तरीके से कंपनी की बात करें तो टीम है जो स्टैंड बाय पर रखी। हेलो, बिल्कुल हिमांशु, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चुनौतीपूर्ण स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सीधे तौर पर कहना है प्रशासनिक अधिकारियों का कि हालातों पर नजर है, हालात सामान्य है, शांति से जुमे की नमाज अता होगी। और बिल्कुल देखिए, जो वॉलंटियर है उनको भी तैनात किया गया है। 20 ऐसे वॉलंटियर है जो लोकल है, इमाम है, यहाँ के मौलाना है, वो ये उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि लोग जुमे की नमाज पढ़ने के लिए शाही जामा मस्जिद में पहुंचेंगे। उन्हीं की एंट्री अंदर दी जाएगी, बाकी सभी लोगों को बाहर कर दिया जाएगा और उसी के लिए
बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को वहां तैनात किया हुआ है। फ्लैग मार्च लगातार निकाला जा रहा है। पुलिस फोर्स पूरी तरह से अलर्ट है। शाही जामा मस्जिद की दीवारों पर भी सीसीटीवी कैमरे रखे गए हैं, लगाए गए हैं ताकि ये निगरानी रखी जा सके। जो लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन भी हो सके। अगर बाद में ऐसा कुछ बवाल होता है तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। छावनी में इस समय तब्दील है पूरा संभल। अगर हम बात करें हर चौराहे पर पुलिस फोर्स तैनात है। आरएएफ के जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात किए गए हैं। 16 कंपनी यहां पर बुलाई हुई है। इसके अलावा लोकल पुलिस जो है आसपास की जनपद की वो बुलाई गई है और अतिरिक्त फोर्स को भी स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। डीआईजी जो मुरीराज है वो लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखा जाए और जो स्थिति अभी शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर नजर आ रही है उसे भी देखते हुए यहां पर मुस्तैदी है। लेकिन इन सबके बीच चूंकि हमने डीएमएसपी के भी तमाम बयान सुने हैं, उनका साफ तौर पर कहना था और अभी जो दरअसल यहां पर रिपोर्ट पेश होने वाली थी सर्वे को लेकर उसकी भी तारीख अब आगे बढ़ा दी गई है। 8 जनवरी को अब रिपोर्ट पेश होगी क्योंकि हिंसा भड़की और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जा सका, लिहाजा अब समय मांगा गया है। देखिए दोनों ही पक्ष के जो उर्दू के दो कोर्ट के अंदर अफेयर हुए उन्होंने साफ तौर पर अपनी अपनी बात रखी। जो रिपोर्ट पेश होनी थी उसमें कुछ कमी आती है, उसे देखने के 10 दिन का समय दिया गया है। रिपोर्ट यानी अगले 10 दिनों में जो सर्वे रिपोर्ट है वो सिविल सीनियर कोर्ट जो यहाँ पे है डिविजन की उसमें पेश की जानी है, जिसके बाद उस पर जो हियरिंग होगी वो 8 जनवरी को होगी। तो जो 10 दिन का समय दिया गया है वो रिपोर्ट के लिए दिया गया है और उसके बाद जो हियरिंग का समय है वो 8 जनवरी का रखा गया है और तब तक हालात भी काफी हद तक पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगे और जो राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है, जो तमाम पार्टियां आने के लिए यहाँ पर लगातार दबाव बना रही है यहाँ के लोकल जिला प्रशासन पर और ये लगातार कह रही है कि यहाँ पर जिन लोगों के परिवार वालों ने अपने को खोया है उनसे मिलने की कोशिश की जा रही है तो उसको लेकर भी शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी ये माना जा रहा है। इसी वजह से देखिए इस पूरे मामले में राजनीति भी कहीं से भी पीछे नहीं है और हमने तमाम बयान सुने हैं, चाहे वो जिया और रहमान बर्क के हो, सुहेल इकबाल के हो, समाजवादी पार्टी की तरफ से दिए गए बयान हो या फिर कांग्रेस के। लिहाजा आप नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास तमाम जानकारी के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे जहां संभल में जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया है। मुरादाबाद मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी भी दी है। हर तरीके का अरेंजमेंट किया गया है, वहां पे ड्रोन कैमरा है, अलग से कैमरे लगाए गए हैं, जो अन्य सीसीटीवी कैमरे हैं उनके द्वारा निगरानी रखी ही जा रही है। वहां पे 16 कंपनियां तैनात हैं जिसमें एक आरएएफ की कंपनी है, 2 आरआरएफ है, 13 पीएससी की कंपनियां हैं, स्टैंड बाई पे भी फोर्सेज हमारी हैं। पर उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो हमने किया है लोगों से बातचीत। सभी जो मस्जिद हैं उनके मौलवी लोगों से हर एक स्तर पर बातचीत हो चुकी है, पीस कमिटीज से बातचीत हो चुकी है। लोगों में विश्वास बहाली सबसे बड़ा आधार है इसका। लोगों से अपील की गई है कि अपनी अपनी मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें और जामा मस्जिद की नमाज के बारे में भी बड़ा स्पष्ट है कि वहाँ पे जो लोग पूर्व में नमाज पढ़ते थे, बल्कि लोगों से अपील की है कि कम संख्या में आवें। वहाँ पे वैसे भी फ्रिस्किंग चेकिंग होगी ही होगी। बाहरी लोगों के वहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, नहीं जनरली ऐसा होता भी नहीं है कि लोग अपनी लोकल मस्जिद में ही नमाज पढ़ते हैं, तब तक जब तक कि कहीं बाहर वो ना हो तब जाके बाहर की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। तो सामान्य तौर पे वहाँ पे ये होना भी नहीं चाहिए कि बाहर के लोग आवें। दूसरी बात यह कि सोशल मीडिया और अन्य सारी चीज़ों पर हमारी बराबर की निगाह है। साइबर सेल को लगाया जा चुका है। जो लोग सोशल मीडिया में गलत भ्रामक चीज़ें फैला रहे हैं या फिर आपत्तिजनक चीज़ें शेयर कर रहे हैं उन सब के ऊपर निगाह है और एक तरीके से जितने संवेदनशील जगहें हैं उनके ऊपर दृष्टि रखी जा रही है। इंटेलिजेंस के लोगों को भी लगाया जा चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि नमाज बड़ी सकुशल संपन्न होगी और वैसे एश्योरेंस भी दिया गया है, इबादत तो इबादत है, इबादत करने वाले लोग तो निश्चित रूप से इस तरीके की हिंसा में शामिल नहीं होंगे या इस तरीके की किसी भी ऑब्जेक्शनल चीज़ में शामिल नहीं होंगे। जो करने वाला है वो बाहरी है और बाहरी तत्व होगा या उकसाने वाला तत्व होगा, ऐसे लोगों के ऊपर हमारी बराबर की निगाह है। तो देखिए अजय कुमार को आप यहाँ पर सुन रहे थे, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हालात सामान्य हैं तो वहीं सुरक्षा भी पूरी तरीके से चाक चौबंद है। यही वजह है कि जमीन से लेकर आसमान से पुलिस का जो पहरा है वो संभल के हालातों को लेकर बना हुआ है। ग्राउंड से जायजा लिया हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा ने। अब हम आपको दिखाएंगे शाही जामा मस्जिद के पीछे की तस्वीरें, जहां पर पत्थरबाजों ने पुलिस प्रशासन की टीम पर पत्थरबाजी की थी।
गोलियां दागी थी। तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए शाही जामा मस्जिद के पीछे का नज़ारा। आज जुम्मा है, आज नमाज भी पढ़ी जानी है जुमे की। तकरीबन 1:30 बजे जो लोकल के लोग हैं वो शाही जामा मस्जिद पहुंचेंगे और जुमे की नमाज को अदा करेंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तस्वीरें आप देखेंगे तो चाहे शाही जामा मस्जिद का मुख्य द्वार हो वहाँ पर भी पुलिस फोर्स तैनात है, तो वहीं पीछे की तरफ भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। उसकी वजह यही है कि किसी भी तरह की कोई हिंसा ना भड़के और जो असामाजिक तत्व हैं, जो अराजक तत्व हैं, उन पर निगरानी रखी जा सके। उसके लिए जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं जिन पर कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जा रही है। अगर बात करें CCTV कैमरों की तो 20 पॉइंट पर ये CCTV कैमरेज लगाए गए हैं जो शाही जामा मस्जिद के चारों तरफ हैं, जिससे हर आने जाने वाले व्यक्ति पर निगरानी रखी जा सके। खासतौर पर जो लोग शाही जामा मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आएंगे उनका रिकॉर्ड रखा जा सके। अब मैं वो तस्वीरें भी दिखा देता हूँ, वो निशान भी दिखा देता हूँ जो 24 तारीख को दंगाइयों ने शाही जामा मस्जिद के पास दिया, या यूं कहें कि संभल को दिया। वो दाग अभी भी हैं, वो निशा अभी भी हैं। ये निशा धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन आज भी 24 तारीख के दिन जो यहाँ पर हिंसा भड़की थी ये सड़क उसके निशा बयां कर रही है। जो पत्थरबाजी हुई थी वो निशा अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं और यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी थी, जो मोटरसाइकिल खड़ी थी, उनको आग के हवाले कर दिया गया था। पत्थरबाजी के निशान जो शाही जामा मस्जिद के पीछे का हिस्सा है उसके ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं। जो कुछ हिस्सा शाही जामा मस्जिद का है आप देखेंगे तो उसका प्लास्टर छूट कर नीचे गिर गया था, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो एक बड़ा हिस्सा जो नीचे का है दीवार का, उसको भी मैं चाहूँगा मेरा विजय आपको दिखाए। ये बड़ा हिस्सा, यहाँ पर आग जल रही थी और आग की तपिश से गर्म होने के बाद जो पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी की थी ये हिस्सा भी यहाँ से छूट गया था, नीचे गिर गया था, जिस पर प्लास्टर हो रहा था। लेकिन आज दंगाइयों से निपटने के लिए जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो पूरी तरह से अलर्ट है। संभल पूरी तरह से छावनी में तब्दील है। 4 QRT टीम बनाई गई हैं, क्विक रिस्पॉन्स टीम। कहीं भी अगर छुटपुट हिंसा की तस्वीर या फिर कोई इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी तो टीम वहां के लिए रवाना हो जाएगी। और पुलिस फोर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं संभल के हर तिराहे पर, हर चौराहे पर, हर गली में कुछ यही नज़ारा नज़र आ रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। CCTV कैमरे से, कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जा रही है। तमाम जो अधिकारी हैं इस वक्त संभल के अंदर मौजूद हैं, चाहे पुलिस कमिश्नर की बात करें, SP की बात करें, मंडलायुक्त की बात करें, ये यहाँ पर आप देखेंगे CCTV कैमरे जो हैं उनसे गलियों के अंदर भी निगरानी की जा रही है। DM समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी, जो प्रशासन का अमला है, वो इस समय संभल में मौजूद है। उसके पीछे की वजह यही है कि आज जुम्मा है और जुम्मे की नमाज के लिए नमाजिया आज शाही जामा मस्जिद पहुँचेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें जो चंदोसी कोर्ट है वहाँ पर भी आज जो एविडेंस कलेक्ट किए गए थे सर्वे के दौरान, उन एविडेंस को सबमिट किया जाना है, तो वहाँ कोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो ये तस्वीरें फिलहाल संभल से हैं जो ये बयां कर रही हैं कि संभल को शांत रखने के लिए, दंगाइयों को दूर रखने के लिए, उनको भगाने के लिए किस तरह के इंतजाम पुलिस प्रशासन द्वारा संभल में किए हुए हैं, ताकि संभल आज बिल्कुल सुरक्षित रहे और किसी तरह की कोई घटना यहां ना घट सके। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, संभल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।